हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में SPF स्पेशल पुलिस फोर्स कांस्टेबल सिंध पुलिस का 22 अप्रैल 2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सबका पेपर्स की तरह इस पेपर को भी हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 22 अप्रैल 2022 को पेपर्स हुए हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों में जो पेपर लिए गए हैं वो नहायत आसान थे, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये बनिस्बत उन दोनों शिफ्ट्स के काफ़ी टफ था। वीवर जी, हमारे सामने SPF स्पेशल पुलिस फोर्स कांस्टेबल सिंध पुलिस का थर्ड शिफ्ट का पेपर मौजूद है। इस तमाम मुकम्मल ओरिजिनल पेपर को हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे साथ रहें और कोशिश करें कि मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि इस एक वीडियो के साथ, इस एक पेपर के साथ आपकी मजीद कई पेपर्स की तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, मैनी पीपल रिपोर्टेड डैश ऑन नॉइज इन द नाइट। बहुत से लोगों ने इतला दी है कि रात में शोर सुनाई दिया या रात में शोर सुनाई देता है। व्यूअर्स, इसमें ऑप्शन बी आएगा खाली जगह में, टू हैव हियर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस। खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, इंक्लोज्ड विद। इजलास का एजेंडा नोटिस के साथ मुंसलिक है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश। खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, स्ट्रेसिंग। स्पीकर अपनी तकरीर को ठीक से बयान ना कर सके बल्कि उन्हें काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, ही डिसाइडेड टू डैश हिज डिग्री एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट अ हायर स्कोर। खाली जगह में रीराइट आएगा, उसने आला स्कोर हासिल करने के लिए अपनी डिग्री के इम्तिहान को दोबारा देने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द टेस्ट वी विल डैश Your work and then give you detailed feedback. खाली जगह में assess आएगा, टेस्ट में हम आपके काम का जायजा लेंगे और फिर आपको तफसीली राय देंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ साथ नोट कर लें, कॉन्स्टेबल सिंध पुलिस और SPF स्पेशल पुलिस फोर्स के पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने पास्ट एंड करंट पेपर्स पर मुश्तमिल हलशुदा नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में आज का मोरखा 22 अप्रैल 2022 का थर्ड शिफ्ट का मुकम्मल हलशुदा पेपर भी शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल सिंध पुलिस या स्पेशल पुलिस फोर्स के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर एंड मिसिज खान गो फॉर अ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। खाली जगह में ब्रिस्क आएगा, मिस्टर और मिसिज खान रात के खाने से ठीक पहले तेज चहल कदमी के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश वेट गेन आर वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। खाली जगह में एक्सप्लोजिव आएगा, धमाका खेज वजन में अजाफा या वजन में कमी आपके जिस्म के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर धमाका खेज जो है ये बहुत ज्यादा के जुमर में इस्तेमाल हुआ है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, आप बहुत ज्यादा वजन गेन करते हैं या लॉस करते हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अली मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लॉस वेट। खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, डिटर्मिनेशन। अली को अपनी गिजा पर कायम रहने का अजम करना चाहिए अगर वो वजन कम करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वर एन डैश रिस्पांस फॉर द मैराथन। खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, ओवरहेलमिंग। मैराथन के लिए जबरदस्त रद्दे अमल सामने आया। क्वेश्चन नंबर 10, अयूब खान फोर्स्ड सिकंदर मिर्जा टू रिजाइन एंड अज्यूम पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 27th अक्टूबर
1958। वीवर्स, ये जो सिकंदर मिर्जा है ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। पाकिस्तान के कुल चार गवर्नर जनरल थे जिनमें चौथे नंबर पर सिकंदर मिर्जा थे। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो थे, सदर थे, वो भी सिकंदर मिर्जा थे। व्यूवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें और इसमें SPF स्पेशल पुलिस फोर्स सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम हलशुदा करंट एंड पास पेपर्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दी ओनली फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के एक ही वाहिद फील्ड मार्शल अब तक रह चुके हैं जिनका नाम है अयूब खान। व्यूवर्स, ये जो फील्ड मार्शल होता है ये 5-स्टार आर्मी का जो कमांडर है वो होता है, इसके 5 स्टार्स होते हैं। ये 1965 में जब अयूब खान सदर पाकिस्तान थे तो इन्होंने अपने आप को ही एज अ फील्ड मार्शल अपॉइंट किया। ये 1965 की बात है। क्वेश्चन नंबर 12, द सोर्स ऑफ द काबुल रिवर इज डैश माउंटेन्स, हिंदू कुश, खाली जगह में ऑप्शन डी आएगा क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है काबुल रिवर का ये हिंदू कुश माउंटेन्स है, वो पहाड़ी सिलसिला है। ये दरियाए काबुल जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक में बहता है। ये अफगानिस्तान में संगलाख की जो पहाड़ी सिलसिला है, संगलाख का पहाड़ी सिलसिला हिंदू कुश का माउंटेन का, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये आगे आकर पाकिस्तान में दरियाए सिंध में गिर जाता है। जहाँ पर ये दरियाए सिंध में गिरता है वो मुकाम जो है वो पाकिस्तान अटक का मुकाम है, जहाँ पर ये दरियाए सिंध में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो इज अ सिंधी लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड मैन, मुर्दा आदमी का टीला। क्वेश्चन नंबर 14, काबुल रिवर एंटर्स पाकिस्तान नियर बॉर्डर क्रॉसिंग एट, पाकिस्तान में जब काबुल रिवर दरियाए काबुल दाखिल होता है तो जिस मुकाम से ये दाखिल होता है वो तुरखम बॉर्डर है, जहां से ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान से एंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर, पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है वो चाइना है। चाइना सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद UAE है, उसके बाद USA है और उसके बाद सऊदी अरेबिया है। ये चार पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं। व्यूवर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर आपने सिर्फ ई टेस्ट लिखना है, जिस तरह आपके सामने ये देखें स्क्रीन पर हमने लिखा हुआ है, ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से करें। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पाकिस्तान की जो नेशनल लाइब्रेरी है इसे 1951 में कायम किया गया। पाकिस्तान की ये नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, द हिमालय रेंज स्पैन ओवर द कंट्रीज चाइना इंडिया पाकिस्तान नेपाल एंड डैश, हिमालय रेंज जो है को हिमालय का पहाड़ी सिलसिला जो है ये चाइना इंडिया पाकिस्तान नेपाल और भूटान तक फैला हुआ है। हिमालय रेंज जो है को हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, इसकी जो लंबाई है या इसका जो एरिया है जिस पर यह मुहित है वो 2400 किलोमीटर है। हिमालय रेंज जो है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्से को वेस्टर्न हिमालय, दूसरे को सेंट्रल हिमालय और तीसरे को ईस्टर्न हिमालय का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, दी थ्री मेजर रिवर्स अराइजेज इन दी हिमालय आजार, को हिमालय से जो 3 मेजर दरिया निकलते हैं स्टार्ट होते हैं उनमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा शामिल हैं। व्यूवर्स, ये 3 दरिया हैं जो को हिमालय से निकलते हैं, इनकी लंबाई भी नोट कर लें, कई पेपर्स में रिपीट हुई है। दरियाए सिंध जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, गंगा रिवर दरियाए गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर है और दरिया ब्रह्मपुत्रा की जो लंबाई है वो 3848 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, दी छांगा मांगा फॉरेस्ट कर्व्स एंड एरिया,
छांगा मांगा का जो जंगल है ये 12,000 acres पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में एकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में स्क्वायर किलोमीटर का ऑप्शन है। नोट कर लें, अगर एकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो 12,000 acres पर मुश्तमिल है छांगा मांगा का जंगल। अगर स्क्वायर किलोमीटर के पॉइंट्स हो, ऑप्शंस हो, तो आपने 48.6 square kilometers को आपने टिक करना है। इसके अलावा नोट कर लें, छांगा मांगा पाकिस्तान का कौमी जंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 केम इनटू इफेक्ट ऑन। पाकिस्तान का आईन 1973 जो है ये 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल किया गया। इसकी थोड़ी हिस्ट्री सुन लें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आईन है इसे 20 अक्टूबर 1972 को असेंबली में पेश किया गया और 19 अप्रैल 1973 को इस आईन को पाकिस्तान की कौमी असेंबली में मंजूर किया गया और बाकायदा तौर पर 14 अगस्त 1973 को इस आईन को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल किया गया। व्यूअर्स, यहाँ पर एक इंतहाई मेन पॉइंट नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अमूमन जो लोग भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास, कई लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तकरीबन 80-90% लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अमूमन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आप लोगों की सहूलत के लिए हमने ई टेस्ट फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है। फेसबुक पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज पर आपको तमाम अहम तरीन सवाल के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस भी मिलेंगी। इस ई टेस्ट फेसबुक पेज को जरूर विजिट करें ताकि आप उन दिनों में भी तैयारी कर सके जब आपका इंटरनेट पैकेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तानी पंजाब एंड इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर इज नोन एज। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और उसके साथ जो कश्मीर का बॉर्डर है, वो एरिया कश्मीर का जहाँ पर इंडिया काबिज है, ये बाउंड्री लाइन जो है इसे वर्किंग बाउंड्री का नाम दिया गया है। व्यूअर्स, ये जो कश्मीर का हिस्सा है जिस पर इंडिया काबिज है और ये बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, ये पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के साथ साथ वाकया है। ये जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। बहुत से पेपर्स में इस बॉर्डर की, सियालकोट वाले बॉर्डर की लंबाई पूछी गई है, ये 202 किलोमीटर है, इसे जहन में रख लें। क्वेश्चन नंबर 22, अबाउट हाउ मच लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। पाकिस्तान की कितने परसेंट जमीन जो है उस पर जंगलात वाके हैं। पाकिस्तान के कुल रकबे का 2% जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। अगर आप जंगलात की जो पॉलिसी है, जंगलात लगाने की, उसको देख लें, उसके मुताबिक किसी भी मुल्क का कुल रकबा जो है उसके 33% रकबे पर जंगलात होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, दी ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो एक जरई डेजर्ट है, जरई सहरा है जहाँ पर काश्तकारी मुमकिन है या थोड़ी बहुत की जा सकती है, वो थर डेजर्ट है। थर डेजर्ट जो है ये 238,254 square kilometers पर मुश्तमिल है। थर डेजर्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में वाकया है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंडिया में है। तकरीबन 85% थर डेजर्ट इंडिया में वाकया है और जो बकिया 15% है ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 24, रन ऑफ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी डैश डिस्ट्रिक्ट। यह खाली जगह में बदीन आएगा। रन ऑफ कुछ ये एक एरिया है, ये एक इलाका है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में वाकया है। ये रन ऑफ कुछ जो है ये एरिया 27,454 square kilometers पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में साफ पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो मानछर झील है। मानछर झील जो है ये 350 square kilometers पर मुश्तमिल है। ये झील डिस्ट्रिक्ट ज़िला दादू और ज़िला जामशोरू इन दोनों अज़ला में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को ख़ताब मिला। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को अवामी शायर का ख़ताब दिया गया। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को मौलाना ख्वाजा हाली के नाम से भी जाना जाता है। आप 1837 में पानीपत इंडिया में पैदा हुए और 1914 में पानीपत इंडिया में ही वफात पाई। सवाल नंबर 27, उर्दू अदन में किसने उमदा खाके तहरीर किए। उर्दू अदन में उमदा खाके डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर किए। डिप्टी नज़ीर अहमद को ही मौलवी नज़ीर अहमद कहा जाता है। आप एक बेहतरीन अफसाना नगार थे। आप 1930 में उत्तर प्रदेश यूपी इंडिया में पैदा हुए और 1912 में दिल्ली इंडिया में वफात पाई। सवाल नंबर 28, मुकर्रा मौजू पर फिकरात में तहरीरी इजहार कहलाता है मुकालमा।
क्वेश्चन नंबर 29, सवाल नंबर 29, इब्ने मरियम कवायद की रूह से क्या है? इब्ने मरियम कवायद की रूह से लकब है, खताब और लकब, ये दोनों क्वेश्चन जो है कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लें। अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली तो किसी भी पेपर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। खताब वो नाम होता है जो किसी हुकूमत या कौम की जानिब से किसी शख्स को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर दिया जाता है, जबकि लकब ऐसा नाम होता है जो किसी खूबी या वसफ की वजह से मशहूर हो जाए। खताब और लकब ये दोनों जो हैं ये इसमें इल्म की इकसाम में से हैं। सवाल नंबर 30, शायर मशरिक किसका खिताब है? शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का खिताब है। इसके अलावा इलामा मोहम्मद इकबाल को मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सचल सरमस्त का मजार किस शहर में है? व्यूअर्स, आप कांस्टेबल सिंध पुलिस, SPF, SPU तमाम सिंध के आप पेपर्स उठा लें, उसमें सचल सरमस्त से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इसका आप डिटेल जो है वो नोट कर लें। सचल सरमस्त का मजार जो है ये दराजा शरीफ में है। बहुत से पेपर्स में दराजा शरीफ लिखा हुआ है, बहुत से पेपर्स में खैरपुर लिखा हुआ है, ये एक ही बात है। ये सिंध में खैरपुर है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, वहाँ पर दराजा शरीफ एक जगह है जहाँ पर इनका मजार है। सचल सरमस्त जो है इनका असल नाम अब्दुल वहाब फारूकी था। क्वेश्चन नंबर 32, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट? व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिक थी, एक आर्टिकल था जिसके तहत सदर पाकिस्तान असम्बली को, पार्लियामेंट को तहलील कर सकता है, किसी भी वक्त इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन इस आर्टिकल को 18वीं तरमीम के तहत ख़त्म कर दिया गया। 18वीं तरमीम जो है इसे 8 अप्रैल 2010 को असम्बली में पास किया गया और इस आर्टिकल को, इस पावर को प्रेसिडेंट से ले लिया गया कि वो किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सके। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें, ये सवालात रीडेबल थे जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास भी कोई भी ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो उसे हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें ताकि उसे इसी तरह वजाहत के साथ सॉल्व करने के बाद आपके साथ शेयर किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।